वन टू हैप्पी न्यू ईयर। हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शाइनी अस। आई होप आप सब लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। सो आज है 1 जनवरी 2023 का फर्स्ट डे। सो मेरी तरफ से आप सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। सो आप लोग सोच रहे होंगे बहुत टाइम से व्लॉग नहीं आ रहा या कोई भी वीडियो मैं पोस्ट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि गाइज मेरा एग्ज़ाम है 24th of January। सो मैंने सोचा है कि उसके बाद मैं कंटिन्यू करूँगी अपनी वीडियोस। अभी मैं थोड़ा मेरा एग्ज़ाम के ऊपर फोकस है। सो आज है नया साल, तो हम जा रहे हैं दिल्ली धाम खाटू श्याम। सो चलिए चलती हूँ आप सब लोगों को लेकर एंड दिखाती हूँ कैसा है वो मंदिर। वैसे मेरा सेकंड विजिट है ये, लेकिन मैंने सुना है वहाँ पे बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं, तो देखते हैं, करते हैं दर्शन बाबा के। सो चलिए चलते हैं साथ। गाइस देख सकते हो कितनी ज़्यादा अंधेरा है, ठंड है, एंड दिल्ली की ठंड तो आपको पता ही है। सो मैंने डाल लिया है स्वेटर क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। सो चलिए चलते हैं मंदिर के लिए, सफाई करो। सो चलते हैं एंड मिलते हैं आपसे डायरेक्ट मंदिर में। एंड आप देख सकते, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कैसा व्यू है सुबह 7 बजे का। सो आप देख सकते हो सुबह 7 बजे गली में कोई नहीं है एंड बहुत ज़्यादा ठंड है, एंड फिर भी हम लोग निकल गए हैं दर्शन करने के लिए। एंड आप देख सकते हो बिल्कुल खाली है सड़क। सो चलते हैं एंड मिलते हैं। सो गाइज आप देख सकते हो हम लोग पहुँच गए हैं मंदिर एंड अब एंट्री करेंगे। सो मैं आपको दिखाती हूँ मंदिर अंदर से कैसा है। आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है, बाहर ही इतनी भीड़ है एंड अंदर अभी हम गए नहीं है। सो करते हैं एंट्री। अभी एंट्री में भी बहुत टाइम लगेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है। हमारी इतनी भीड़ के बाद एंट्री हो चुकी है एंड आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है। एंट्री जहाँ से एंट्री होगी, गेट है ये, एंड गाइस काफ़ी चेंज हो गया है। जिस टाइम पे हम फर्स्ट टाइम आए थे यहाँ पर, इधर से ये बंद कर रखा, उस टाइम पे बंद नहीं था, खुला था यहाँ से, एंड एंट्री बहुत ईजी थी। बट अब यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा क्यूब की तरह बना दिया है एंड इसको अब लाइन की तरह ही चलेगा। वो है एंट्री गेट एंड ये है सारा क्राउड। कितना क्राउड है, बहुत भीड़ है एंड मुझे तो लगता नहीं हम दर्शन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। बाबा की शॉप है यहाँ पर, प्रसाद की शॉप है एंड आप प्रसाद भी ले सकते हो यहाँ से, माला वगैरह के लिए एंड जो भी आपको मतलब हाथ में धागे पे। तो आप 6 बजे घर से निकले हैं, 7 बजे, 6-7 बजे के आसपास, एंड फिर भी यहाँ पर इतनी भीड़ है। हम इसलिए निकले थे जल्दी कि ताकि टाइम से पहुँच जाएँ, दर्शन अच्छे से हों, बट भीड़ देख लो आप, बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है मंदिर में। ये सारी की सारी जो लाइन की सुविधा हो गई है, पहले नहीं थी, सिंपल था कि आप जाके दर्शन कर सकते हो एंड आप देख सकते हो आप बिल्कुल ग्रिल हो गए, पहुँच गए हैं आप देख सकते हो। एंड गाइस सब जगह से बंद है, कहाँ से हम जाएँ बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है, बस ये वाला गेट खुला हुआ है गाइस, बट हम सोच रहे हैं यहाँ से चले जाएँ, बट आंटी बैठी है ना वो मारेंगी। फाइनली हमें एंट्री मिल गई है, बट हम पता नहीं कैसे कैसे करके हमने एंट्री करी है। एंड आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है, हम लोगों ने प्रसाद चढ़ा दिया है बाबा पे, हम सब जा रहे हैं। बहुत भीड़ थी, ज़्यादा भीड़ थी, बट फिर भी बाबा ने हमें अपने दर्शन कराए एंड हमारा प्रसाद भी चढ़ गया। सो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि हम लोग मतलब कितनी भीड़ में भी बाबा ने हमें दर्शन करके यहाँ पर बहुत ही आराम से बैठे हैं एंड बाबा ने हमें इतने अच्छे दर्शन कराए। इतनी भीड़ है गाइस, आप देख सकते हो लाइन, हम लाइन में नहीं आए लेकिन हम लोगों को पता नहीं बाबा ने कैसे कैसे करके पूरा क्रॉस कराया। एंट्री से हम अंदर आ गए दरबार में और हमें दर्शन हो गए गाइस। तो ये मतलब चमत्कार जैसा लगा, चमत्कार लगा नहीं, चमत्कार है ही, सच्ची बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छे दर्शन हुए बाबा के। एंड अभी मैं आप लोगों को पूरा मंदिर घुमाऊंगी, पूरा मंदिर के यहाँ पर झूला है एंड यहाँ पे बच्चे भी आते हैं तो बहुत इंजॉय कर सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी झूले वाली बंदोबस्त किया गया है। एंड बच्चे क्या गाइस, बड़े भी झूल रहे हैं, आप देख सकते हैं। अष्ट धातु निर्मित 800 किलो का घंटा है, इसको लोग बजाते हैं यहाँ पर एंड जा रहे हैं वहाँ पर खाटू श्याम बाबा हैं जो वहाँ पर उन्हें स्थापित किया गया है। सेम जो मंदिर में बैठे हैं ना वैसे ही बाबा यहाँ पर भी बैठे हैं। सो वही हम देखने जा रहे हैं कैसा है। सो चलिए चलते हैं। यहाँ पर लोग अपनी मन्नत मांगते हैं, मीन्स यहाँ पर लोग अपना घर की जो मन्नत मांगते हैं तो उसके लिए लोगों ने यहाँ पर घर बना रखे हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा शिवलिंग बना हुआ है, सो वहाँ जाते हैं एंड दर्शन करते हैं। सो चलिए आप लोगों को मैं साथ लेके चलती हूँ।
देख सकते हो कितने सारे लोग हैं वहाँ जा रहे हैं, और गाइस फोटो भी खिंचवा सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो लोग फोटोज क्लिक करवा रहे हैं। देख सकते हो कितने सुंदर एंड कितने भव्य शिवलिंग है, ये बहुत सुंदर है। चलते हैं आगे, आप देख सकते हो वैदिक गुरुकुल अंदर की साइड से थोड़ा सा दिख रहा है बाहर से, एंड ये यहाँ पर बहुत सुंदर है से बना हुआ है, बहुत सुंदर लग रहा है। देख सकते हो ये वैदिक गुरुकुल है, स्वर्ग द्वार। तो हम अंदर की तरफ जा रहे हैं एंड देखते हैं गाइस, आप देख सकते हो ये है स्वर्ग द्वार। खाने की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत कुछ है खाने के लिए, जैसे कि चाट है, स्प्रिंग स्वीट कॉर्न है, एंड ये क्या है यहाँ पर, ये चाय है गाइस यहाँ पर, एंड वड़ा, डोसा, पाव भाजी, छोले भटूरे, चाउमीन, बहुत कुछ है गाइस खाने के लिए। आप आओगे तो आपको यहाँ पे खाने की भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, एंड पनीर चीला तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छा मंदिर है, आप ज़रूर आओ एंड ज़रूर घूम के जाओ। गोवर्धन पर्वत जो कि कृष्ण भगवान ने अपनी छोटी वाली उंगली पर उठाया था, उसका दृश्य यहाँ पर दर्शाया गया है, एंड ये बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ही भव्य दृश्य है ये, आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है, एंड देख सकते हो गोवर्धन पर्वत है। फाइनली हम लोग पूरा मंदिर घूम लिए हैं, दर्शन बहुत अच्छे हुए बाबा के, एंड आप देख सकते हो मैंने आपको पूरा मंदिर दिखाया वहाँ से लेकर स्टार्टिंग से लेकर दर्शन करे, एंड हम पूरा घूमे, एंड गोवर्धन पर्वत ये जो पीछे बना है गोवर्धन पर्वत, सब कुछ हमने घूमा। बहुत, मैं इस वीडियो का एंड कर रही हूँ क्योंकि अब हम जा रहे हैं घर। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपको करना है वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।